Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Beacon House College. My name is Zainab Zuhur and I will tell you today about map projection. नक्शा फहमी का क्वेश्चन हमारी किताब के तीसरे चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सवाल है ये आप समझ लें कि पेपर का पार्ट है, यानी पेपर का हिस्सा है। अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट नहीं तो एमसीक्यू में जरूर इससे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। दैट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दूंगी इसे बहुत ज्यादा, और इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगी ताकि अगर आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट इजीली। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि नक्शे में क्या नक्शा होता है और क्या चीजें उसमें इम्पोर्टेंट है। हमारे पास ये ग्लोब है जिसे आप देख रहे हैं, जो आपको जमीन के अंदर कौन कौन से इलाके हैं उनके बारे में बता रहा है, कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके बारे में बता रहा है। लेकिन हम इसे नक्शा नहीं कहेंगे क्योंकि ये ग्लोब की सूरत में है। इसमें हम डायरेक्शंस को एज इट इज जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि नॉर्थ और साउथ तो फिर भी कुछ हद तक एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन वेस्ट और ईस्ट का जो डायरेक्शंस हैं वो हम एज इट इज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो नक्शा कहते किसे हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली द मैप इज। मैप किसे कहते हैं? मैप उसे कहते हैं जब आप किसी पेज पे लकीरें खींचकर आइडेंटिफाई कर देते हैं उसे नक्शा कहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर दो नक्शे हैं मैंने पाकिस्तान के बनाए हुए हैं, यहाँ देखिए, जहां पर हमने यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का मैप है, इसमें मैंने डायरेक्शंस बतानी है आपको कि पाकिस्तान के यहाँ पर डायरेक्शंस को देखिए, जो अपवर्ड है दैट इज शमाल, डाउनवर्ड है दैट इज जनूब, जो वेस्ट साइड में है दैट इज मगरिब और ईस्ट साइड पे मशरिक में। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान के हमसाय ममालिक कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के शमाल, जनूब, मगरिब और जो है मशरिक में है। हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की, जो पाकिस्तान का हमसाय ममालिक भी है, दोस्त मुल्क भी है और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के शमाल की जानिब पहुंच गया है। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा हमसाया मुल्क दैट इज भारत, इंडिया। इंडिया जो है वो पाकिस्तान की किस जानिब है? मशरिक की जानिब है। और अब हम चलते हैं पाकिस्तान की मगरिब की जानिब, कौन से कंट्रीज है? अफगानिस्तान और ईरान। ईरान जो है वो जनूब मगरिब में वाकिया है। अब हम चलते हैं कि पाकिस्तान के जनूब में कौन सा एरिया है, तो वो बहिरे अरब की अरब अमारात जो है और अरेबियन सी, वो पाकिस्तान के जनूब की जानिब है। ये तो हो गया पाकिस्तान का नक्शा। अब हमने एक और क्वेश्चन इसमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है कि हमारा मशरकी पाकिस्तान हमसे किस तरह अलग हो गया। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था हदबंदियां, रेड क्लिफ ने जो हदबंदियां की थी उसमें क्या था, उसमें उन्होंने नाइंसाफी की थी पाकिस्तान के साथ। वो नाइंसाफी कैसे की थी वो आज मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये है पाकिस्तान। आमतौर पे अगर देखा जाए पाकिस्तान को जो पार्ट मिलना चाहिए वो इस तरह से मिलना चाहिए था कि इस एरिया को ही पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता तो ये पाकिस्तान का पूरा मैप बन जाता, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिया ने हमारे साथ क्या नाइंसाफी करवाई कि उसने हमें एक पार्ट मगरबी बाजू हमारा हिस्सा जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं वो यहाँ पर दे दिया, और दूसरा हिस्सा जो हमारा मशरकी पाकिस्तान था, और ना सिर्फ वो मशरकी पाकिस्तान था बल्कि हमारा जो है वो हमारा हिस्सा जो बांग्लादेश था, जो अब बांग्लादेश बन गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया, जो मीडिया की साजिश ये थी कि हम पाकिस्तान को एक दिन तोड़ देंगे, तकसीम कर देंगे, तो वो उनकी साजिश जो है वो कामयाब हो गई। उन्होंने एक हिस्सा यहाँ पर जो बांग्लादेश है पाकिस्तान को दिया और दूसरा हिस्सा ये दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तान को गवर्न करना बहुत मुश्किल था। अगर वो अपने दूसरे हिस्से में आता या तो इंडिया के रास्ते आ जाता। इंडिया ने उस वक्त हमारे साथ क्या किया भारत ने, कि वो हमारे साथ उनका झगड़ा था, डिस्प्यूट था, उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया कि आपको यहाँ से डायरेक्ट बांग्लादेश में नहीं जाने दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान के पास क्या था, दो ही रास्ते थे, या तो पाकिस्तान यहाँ से चाइना, चाइना से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से फिर बांग्लादेश में आता, या पाकिस्तान क्या करता यहाँ से वो अरेबियन सी में आता और यहाँ पर श्रीलंका था, वहां से होता हुआ बांग्लादेश में पहुंचता।
तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बर्न, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि वो इसको बर्न कर सके, इसको चला सके। इसलिए एक वक्त ऐसा आया 1971 में कि हमारा मशरकी बातों से अलहदा हो गया, जो अब बांग्लादेश है। अब हम बात करेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, हमारे पास ये वर्ल्ड मैप भी है, इसको हम देखते हैं। ये है जी पूरी दुनिया का नक्शा, इसको आप गौर से देखिए। तो अब मैं तूल बल और अर्ज बल भी आपको समझाऊंगी कि तूल बल और अर्ज बल कहां से है। पाकिस्तान फैला हुआ है, यहां पर है हमारे पास 60 के बाद 61 डिग्री, 61 डिग्री से 77 डिग्री के दरमियान यहां पर है पाकिस्तान। ये देखिए 61 डिग्री से 77 डिग्री के बाद यहां पर है पाकिस्तान। 23.5 डिग्री से, ये 30 डिग्री है, इससे ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 37 डिग्री के दरमियान यहां पर है पाकिस्तान। यानी ये हमारा अर्जबल है, ये हमारा अर्जबल है। यानी आप अगर किसी चीज के अर्थ को नापते हैं तो आप उसको इस तरह से नापते हैं, किसी चीज की लेंथ को नापते हैं तो आप उसे इस तरह। तो हमारा ये जो है अर्थ बल, क्योंकि शमाल की जानिब है, शमाली है, और ये जो है तूल बल है 23.5 डिग्री से 37 डिग्री तूल बल मशरकी, क्योंकि मशरक की जानिब है। अब अगर हम ये देखें दुनिया के नक्शे में, हमारे पास ये ऐसी लाइन्स होती है, आप इसको भी देखिएगा, इसमें यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस, जिनको हम मतवादी लकीरें कहते हैं, ये लकीरें आपको नजर आएगी, ये लकीरें नक्शे में आपको नजर आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फतेह इस्तवा की। ये 0 डिग्री पे होता है, जो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, ये 0 डिग्री पे चल रहा है। इसने क्या किया, वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम किया, और उसके बाद वो 0 डिग्री जिसने वर्ल्ड को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक मशरिक की जानिब, दूसरी मगरिब की जानिब, तीसरा शमाल और चौथा जुनूब, दुनिया को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये डिग्री कितनी है, 90 डिग्री एक साइड पे है, 90 डिग्री दूसरी साइड पे, 90 तीसरी डायरेक्शन पे और 90 चौथी डायरेक्शन पे। यहां आप देखें 90, 90 प्लस 90 180, 180 एक साइड पे है, 180 दूसरी साइड पे है, और इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 360 टोटल डिग्रीज हैं जो नक्शे में होती हैं, हर नक्शे में होती है। तूल बल और अर्ज़बल पे 61 डिग्री से 70 डिग्री के दरमियान यहाँ है पाकिस्तान, 23.5 डिग्री से 37 डिग्री के दरमियान यहाँ है पाकिस्तान। तो ये है पाकिस्तान की लोकेशन, जिसको हम आसानी से नक्शे में देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके साथ आगे ही आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, कुछ यहाँ थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो सरहदें हैं, अगर इसी पाकिस्तान से मिलती है, इन सरहदों को अगर पाकिस्तान से रास्ता दे दिया जाए तो फिर वो क्या होगा, अरेबियन सी में आराम से पहुंच जाए। आज तक हमने ये सुना है कि दुनिया में 7 बड़े आजम हैं। अब उन वो 7 बड़े आजम कहाँ कहाँ हैं, वो कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ हैं, वो कॉन्टिनेंट मैं आपको इस नक्शे की मदद से बताऊंगी कि वो कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ लोकेट करा है, पाकिस्तान के नक्शे को क्या अहमियत हासिल है। हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े सगीर, हमारे जो बड़े आजम हैं वो कौन कौन से हैं। नॉर्थ अमेरिका, आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट नंबर 1 इज नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट नंबर 2 इज साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट नंबर 3 इज यूरोप। यूरोप जो है वो सेंट्रल लाइन जो है, इक्वेटर लाइन हमारी उसके अंदर उसके ऊपर है, और इसके अंदर ही है ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या करता है, ग्रीनविच को क्या इंपॉर्टेंस हासिल है, ग्रीनविच से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है, क्योंकि सेंटर में है, सेंटर जो है वो पूरी दुनिया का टाइम जो है वो सेट करते हैं। तो अब हमारे कितने कॉन्टिनेंट हो गए थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो अपवर्ड होगा क्योंकि हमने दुनिया को दो हिस्सों में खतः इस्तवा के लाइंस ने डिवाइड कर दिया, तो जो अपवर्ड होगा ऊपर वाली साइड होगी दैट इज नॉर्थ अमेरिका, डाउनवर्ड होगी दैट इज साउथ अमेरिका, सेंट्रल लाइन पर यूरोप है। तो उसके बाद यहां पर आप देखिएगा ये है अफ्रीका, जिसे हम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका भी इसमें साउथ अफ्रीका, और इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं, यहां पर कोई आबादी नहीं है क्योंकि फ्रोजन पॉइंट है, जमा हुआ है सब यहां पर।
इसलिए यहाँ पर कोई आबादी नहीं आपको नजर आ रहा है, ये नीचे है एंटार्क्टिका, यहाँ पर कोई आबादी आपको नजर नहीं आ रही। अब हम चलते हैं अपने कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया। एशिया इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसी में हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के नक्शे को नक्शे के एतबार से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। ये देखिएगा, ये पाकिस्तान है कि इसका मैप जो है बहुत ही खूबसूरत है, और इसको इस हवाले से भी है कि ये सेंटर में आता है, इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर सेंटर में आता है, और इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंस हासिल है बहुत ज्यादा कि एशिया का इसे दिल भी कहा जाता है। और ये जो है बहुत सारे कंट्रीज, अगर जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके ऊपर है, अगर वो यहाँ पर रोड बना लेते तो फिर क्या होगा, ये वहां से सीधा वो अरेबियन सी में पहुंच जाएंगे, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। और अगर वो यहाँ पर रोड नहीं बनाते तो फिर क्या होगा, उनको ईरान, अफगानिस्तान और ये जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं यहाँ से होते हुए रास्ता मिलेगा समंदर में जाने के लिए। तो पाकिस्तान को इस हवाले से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। थैंक यू मैम। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया डिग्रीज के बारे में, जमीनी फासला और नक्शे का फासला आपको बताती हूँ कि नक्शे का और जमीनी फासला हम कैसे देखेंगे। हम इस तरह से देखते हैं कि नक्शे में आपको कुछ छोटे छोटे इंचेस, यहाँ पर तो इंचेस आइडेंटिफाई नहीं किए, यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये छोटे छोटे इंचेस आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, जमीनी फासला अगर हम 10 मील तय करेंगे तो फिर नक्शे में एक इंच से अगले इंच में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी अगर 90 डिग्री है तो 89 में जाने के लिए हमें एक इंच का फासला तय करने के लिए हमें जमीनी 10 मील का फासला तय करेंगे तो फिर हम नक्शे में अगली डिग्री में जाएंगे। अब हमने यहाँ तक डिग्रीज तो अच्छी तरह से समझ ली कि पाकिस्तान कहाँ पर एक्चुअली लोकेट करता है, कहाँ पर पाकिस्तान वाकया है। अब हमने जो बात करनी है इम्पोर्टेंट, जो इस क्वेश्चन में भी है, वो हमने क्या करनी है कि नक्शे में कौन कौन सी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं। हमने ये बात सुनी है कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में पानी जो है वो 70% है और खुश्की या आबादी जो है वो 30% है। इसमें देखें, नक्शे में आपको नीला हिस्सा जो नजर आ रहा है, नीला पार्ट आपको नजर आ रहा है, दैट शोज वाटर, ये पानी को इंडिकेट करता है कि जहां जहां ये पानी है वहां वहां पर क्या है, नीला हिस्सा है वहां वहां पर पानी है। नक्शे में जो ब्राउन हिस्सा है, छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं, ब्राउन पार्ट्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो पहाड़, कि यहाँ यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं। जो रेड पोर्शन होता है, बारीक बारीक लाइनें, वो सड़कों को वाजा करती हैं कि यहाँ यहाँ पर रोड है। ये तो चूंकि वर्ल्ड मैप है इसमें इतनी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान का अकेला मैप होता है उसमें नक्शे में आप देखिएगा यहाँ पर रोड्स, कैनाल्स, हर चीज आपको नजर आएगी कि बारीक रेड लाइन जो है वो रोड को आइडेंटिफाई कर रही है, ब्राउन पार्ट जो है वो पहाड़ों को इंडिकेट करता है, और इसके अलावा नीला पार्ट जो है वो पानी को इंडिकेट करता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। मजीद इंफॉर्मेशन आपको देती रहूंगी, मजीद लेक्चर जो है वो देती रहूंगी। शुक्रिया। जैसा